इस न्यूज, आज हम पहुंचे हैं सोल ऑफ डांस इंडिया के एनुअल फंक्शन में, जहां पे एक डांस कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके ऑर्गेनाइजर है रोशन। तो आइए देखते हैं बच्चों में क्या जज्बा है, क्या परफॉर्मेंस उन्होंने किया। यहाँ के जजेस से भी हम बात करेंगे, यहाँ के आज के गेस्ट से भी बात करेंगे। तो लेट्स सी। इवेंट के बारे में बताइए, जो ये डांस कंपटीशन और एनुअल फंक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिला है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि रोशन जो है भाई मेरा छोटा, काफ़ी चीज़ों में मेहनत करता है अच्छे अच्छे बच्चों के लिए, नए नए बच्चों को उठा कर लाते हैं। और चैंपियनशिप का है कि हर जगह से ऑल ओवर इंडिया के अंदर में इसका टूर किया गया, पहले हर जगह ऑडिशन लिया गया पूरे इंडिया में, सो उधर से कुछ चीज़ें हैं छाँट कर लाए हैं। और पूरा चांसेस रहेगा, मैं भी अपनी साइड से फुल सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा कि जो भी इधर से विनर बनेगा या जिसके अंदर में कोई टैलेंट होगा, बेशक वो विनर ना बने, जो मेरे को लगा कि अच्छा है तो उसको बॉलीवुड के अंदर में डायरेक्ट एंट्री देने का ट्राई करूँगा। सो जो न्यू टीनेजर्स हैं उनके अंदर ये होता है कि जल्दी से हमें किसी भी तरीके से सक्सेस मिल जाए, अगर नहीं मिलती है तो ये कहते हैं कि इस लाइन में कुछ नहीं है, ये मेहनत हमारी ज़ाया हो रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन लोगों का क्या है, टीनेजर्स में एक तो पेशेंस की कमी सबसे ज़्यादा हो गई है, क्योंकि शायद हमारा नेचर ही आसपास का ऐसा चल रहा है कि कुछ तो लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करके फटाक से आगे पहुँच रहे हैं और जिनके पास नहीं वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि पेशेंस रखना उनको अपने अंदर में बहुत ज़रूरी है। तो आप आज के इवेंट के बारे में बताइए कि यहाँ पे आके कैसा एक्सपीरियंस रहा, छोटे छोटे बच्चों को डांस करते हुए आपने यहाँ पर देखा तो कैसा आपको देखने का लगा? तो बहुत ही अच्छा, और क्योंकि जब हम लोग इस एज में थे तब वी नेवर थॉट कि हम लोग डांस भी करेंगे, डांस एक शौक हुआ करता था उस टाइम पे, लेकिन आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पैशन, एक स्टार्डम बन गया है। और अभी से इतने छोटे छोटे बच्चे, थैंक गॉड हम इस जनरेशन में पैदा नहीं हुए, वरना हमारे लिए फेमस होना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि इतना टफ कॉम्पिटिशन। सौरभ इज़ टीचिंग देम सो फाइन, और मतलब ऐसे इवेंट्स में आके ना जो एज डिफरेंस है वो छूट जाता है पीछे, ऐसा लगता है आप उसी एज में हो वापस, या जो बूढ़े हो गए हैं वो लोग भी ये सोच रहे हैं हम वापस जवान हो गए। तो जो किड्स हैं उनको सिखाना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनको सिखाने के लिए उनको आगे बढ़ाना, दैट्स नॉट एन ईजी टास्क, उनको एक पेरेंट बन के सिखाना होता है, एंड सौरव इज डूइंग अ फैबुलस जॉब इन दैट। डांस के नाम पे तो आप एक बहुत बड़े दिग्गज हैं, ठीक है, आपकी आपको कौन नहीं जानता, तो आप ये बताइए कि बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कि बहुत जल्दी बच्चे चाहते हैं कि सक्सेस मिल जाए जल्दी से। नहीं, एक्चुअली क्या है, जब तक ये पैशन बना रहे, जब तक ये एक खेल बना रहता है ना, तो बच्चे को खेल ही पसंद आता है। हम लोगों को सक्सेस के पीछे कभी नहीं जाना है, क्योंकि एज अ डांसर उसकी एक ऐसी डेस्टिनेशन होती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कहीं आपको पता नहीं है नेक्स्ट डे, व्हेन आई स्टार्टेड डांसिंग लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आई नेवर थॉट कि आई विल बी ट्रैवलिंग ऑल ओवर द ग्लोब, जिसके अंदर मैं परफॉर्मेंसेज कर रहा हूँ, कौन कब कहाँ मेरे परफॉर्मेंस से इतना अट्रैक्ट हो रहा है। तो बच्चों को सक्सेस के बारे में नहीं सोचना है, यू नो कैपेबिलिटी के बारे में सोचना है। इफ़ दे थिंक अबाउट द कैपेबिलिटी देन इट विल बी अ ग्रेट थिंग, कि क्योंकि फिर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जब अपना टारगेट सेट करते हैं तो सोच सोच के आगे बढ़ते हैं, जब हमें पता ही नहीं है कहाँ पहुँचना है तो रफ्तार अपनी अच्छी रहती है, दैट्स द थिंग। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कुंडू हाउस प्रोजेक्ट इंडिया को, और आज के कॉम्पिटिशन में मैंने जो टैलेंट यहाँ पर देखा है, इट्स लाइक बच्चों में अभी बहुत मतलब दे आर रेडी टू लर्न एंड दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, और इस एज में इतने अच्छे से परफॉर्म करना, इट्स रियली अमेजिंग टू सी किड्स डूइंग दीज एक्टिविटीज, डांसिंग, सिंगिंग एंड एवरीथिंग। अभी डांस का लेवल बहुत बढ़ गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो इतनी सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें अटैम्प्ट कर रहे हैं और उसको अच्छे से परफेक्टली कर रहे हैं, और टीचर्स उनको अच्छी डायरेक्शन दे रहे हैं, अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं। कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ है, कि बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं वहाँ पे, तो हमारे लिए थोड़ा टफ जॉब है मेरे और विक्रम के लिए, कि किसको विनर के लिए चूज़ करना है, किसको सेकंड पोजीशन, किसको थर्ड पोजीशन के,
बल्कि मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल था कि इतने छोटे बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे हैं। विक्रम, आज की परफॉर्मेंस देख के जिसमें आप जजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों का कंपटीशन किस लेवल का है और कितना उनके लिए चैलेंजिंग? आजकल के बच्चे वैसे बहुत एडवांस हो गए हैं और बहुत ही सही डांस कर रहे हैं, लेकिन उनको और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत है थोड़ा, और अगर वो थोड़ा उस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे तो बहुत ही ब्रिलियंट हो जाएंगे और बच्चे ही फ्यूचर है आगे इंडिया का, डांस फ्यूचर है। तो क्या आप इन टीनेजर्स को, जो कमिंग टीनेजर्स हैं हमारे, जो जिनके अंदर जज्बा है डांस को लेकर, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही है कि जो भी काम करो बस थोड़ा कॉन्फिडेंट से करो, ऑनेस्टली करो, और डांस कुछ मूव्स नहीं है, डांस इज इनसाइड। सब लोग डांस करते हैं लेकिन थोड़ा अंदर से फील, इमोशंस, कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डांसिंग, तो उसी के ऊपर वर्क करना चाहिए ज़्यादा, ना कि मूव्स के ऊपर। मैं आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो डांस कंपटीशन और एनुअल फंक्शन यहाँ पे आपका देखने को मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो क्रू 7 टीम के लिए बहुत बहुत मैं थैंक्सफुल बोलूँगा कि मुझे इस इवेंट्स का हिस्सा बनाने के लिए, और थैंक्स रोशन भाई को, नितिन भारद्वाज जी को, जिन लोगों ने एक डोनेशन के थ्रू, अपने चैरिटी के थ्रू इन बच्चों को तैयार किया है। जिस तरीके से इन बच्चों ने आज परफॉर्म किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी सेकंड नहीं आ सकता, जब तक हम लोग रेस के अंदर भागेंगे नहीं तब तक हम सेकंड नहीं आ सकते, हम लोग फर्स्ट होते हैं। कोई भी हारने वाला कभी भी पहली हार नहीं होती, वो पहली जीत होती है। एक्चुअली जब तक हम किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करते हैं हमें उस चीज़ का पता नहीं लगता है। तो इन बच्चों को यही अप्रिशिएट करूँगा कि ये बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ये लाइव कोई क्रिकेट नहीं है कि हमने एक बार क्रिकेट खेला और हम आउट और फिर हम लोग वापस स्टेडियम के बाहर चले गए। लाइव एक वो गेम है कि आपको बार बार में चांस देती है, अपॉर्चुनिटी देती है कि आप लाइफ में खेलिए और एक न एक दिन वो सक्सेस की तरफ बिल्कुल आगे बढ़ता रहेगा। कि आई होप कि इन लोगों ने, इस टीम ने, पूरी टीम ने जिस तरीके से काम किया है, मैं बहुत ही आई एम वेरी वेरी हैप्पी। देखो, जज्बा बहुत अच्छा लगा बच्चों का, जो छोटे छोटे बच्चे आज के टाइम पे कर रहे हैं वो हमारे लाइफ, जब हमारा टाइम था तो हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा होता भी है। तो उनका जज्बा और हौसला देख के मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली है कि वो आज के टाइम पे यहाँ पर आके जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसमें बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को देखने में। प्लस ये द क्रूड 7 डांस के, इनका बहुत अच्छा इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है और यहाँ पर जो इन्होंने किया है वो एक अच्छी बात है कि आगे बच्चों को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत एक अच्छा काम करा है। Yes.
आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज को चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा समी चले लगा, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सोच सकते कि अंजाम कैसा होगा। एक बार आप लोग आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ इधर आ जाओ।